हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जुरासिक गेमर्स। तो कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। जुरासिक वर्ल्ड द गेम के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, बिना किसी ढिलाई के आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। गाइस आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा उपयोग होने वाला है। इसके पीछे की क्या वजह है भाई आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि गाइस भाई हमारे इवेंट में आ चुका है भाई क्या ही ज्यादा ओपी, सबसे ज्यादा अवेटेड इवेंट जो कि होता है शेक द अर्थ। और भाई इसमें एकदम ओपी ओपी यहाँ पर भाई डायनो मिलते हैं, एकदम ओपी ओपी प्राइस मिलता है, क्या ही ज्यादा ओपी होता है गाइस। तो गाइस आज भाई शेक द अर्थ इवेंट आ चुका है और भाई इसके अंदर हमको इस बार आया है भाई मास्टर डून, जो कि है हमारा हाथी मेरा साथी, धक्का मार धक्का मार। तो गाइस और भाई साहब इसमें देख लीजिए क्या ही ज्यादा ओपी प्राइस, 2400 के आसपास यहाँ पे डीएनए, 500 बक्स यहाँ पे मिलते हैं, क्या ही ज्यादा ओपी। और भी गाइस यहाँ पे इवेंट्स आए हैं, बट गाइस सबसे ज्यादा हटके इवेंट शेक द अर्थ। और भाई हमारे पास में सिनेजोइक के अंदर भाई जो ये सुपर सुपर लेजेंडरी कार्ड हमारे पास में है नहीं गाइस, तो गाइस सुपर लेजेंडरी कार्ड में भाई मास्टर डून आया है भाई, तो बहुत ही ज्यादा ओपी, बहुत ही अच्छा डायनो है गाइस। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इसका हेल्थ और इसका डैमेज कैसा है, कि हम इसके लिए फाइट करें या ना करें। चलिए गाइस हम देख लेते हैं कि भाई क्या ही ज्यादा ओपी डायनो है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मास्टर डून आपको देखने के लिए मिलेगा। मास्टर डून भाई, मास्टर डून कहाँ गया भाई, यही तो था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये रहा गाइस मास्टर डून, ये है मास्टर डून। और भाई क्या ही ज्यादा ओपी गाइस, देखिए 981 डैमेज और भाई 2400 के आसपास इसका हेल्थ है, जो कि गाइस काफी ज्यादा ओपी डायनो है गाइस, काफी ज्यादा ओपी है। इससे भी ओपी है भाई वूली मैमथ, बट गाइस मास्टर डून आया भाई, हम के लिए इसके लिए हम जरूर फाइट करेंगे। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे फटाफट फाइट करते, पहले कार्ड कलेक्ट कर लेते गाइस। और भाई साहब क्या ही ज्यादा ओपी। तो गाइस आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई हमारी जो मेहनत है भाई 250 सब्सक्राइबर्स की, भाई उसका फल हमको कब मिलेगा? तो गाइस हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके लिए हम बहुत ही जल्दी गाइस इसको हम फास्ट भी करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड, ताकि जल्द से जल्द फैमिली में दो सेग्नोसॉरस आ जाए और भाई इससे हम सेग्नोसूचस बना ले। गाइस आप लोग बने रहिए एपिसोड में, फैमिली में इसी हफ्ते आपको देखने को मिलेगा सेग्नोसूचस, काफ़ी ज़्यादा ओपी डायनो है गाइस। तो चलिए गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड में और भाई चलिए हम फाइट लेते फटाफट। तो गाइस चलिए हम फाइट ले लेते हैं यहाँ पे शेक द अर्थ इवेंट, और भाई चलिए हम यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे हैं, चलिए फाइट लेते गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपको टिक्स एंड ट्रिप्स भी बताने वाला हूँ कि भाई शेक द अर्थ इवेंट में मैंने अब तक के, जब से मैंने खेलना चालू किया है, मैंने क्या कुछ सीखा है और कैसे मैं हर बैटल विन करने की जो टेंडेंसी रहती है ना, वो लगभग मेरी 90+ परसेंटाइल रहती है। तो भाई देखते हैं गाइस कि कैसे हम इसे विन कर सकते हैं हर बैटल, और भाई कैसे हम डोमिनेटर लीग में अपनी पोजीशन बना सकें और भाई एकदम ओपी वाला यहाँ पे भाई सरप्राइज हम ले सकें। तो भाई सबसे पहले बैटल में तो गाइस आपको एकदम नॉर्मल से भी कॉमन भाई, यस कॉमन आपको डायनोस लेके जाना चाहिए। तो चलिए गाइस अब मैं यहाँ पर अपने लेवल 10 डायनोस को यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले गाइस आप देख लीजिए आपको कैसे यहाँ पर डायनोस अच्छे लगते हैं, कैसे आपको यहाँ की इनकी मैचिंग और इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से आप ले जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा एयर टाइप, फिर उसके बाद में लूँगा मैं यहाँ पर कार्निवोरस, और लास्ट में गाइस मैं ले लेता हूँ कोई लेवल 10 का, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है कुछ, चलिए ये ले लेते हैं हम। तो चलिए गाइस फर्स्ट बैटल हम शुरू करते हैं। तो गाइस हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है एयर टाइप, देन ये है कार्निवोरस, और लास्ट में है ग्रास टाइप। तो भाई साहब देख लीजिए यहाँ पर हमें सबसे कमज़ोर ही डायनो मिलेंगे फर्स्ट बैटल में, ये गारंटीड है गाइस। कोई कोई एकदम भूल चूक से एकदम कभी कभी एकदम ओपी वाले डायनोस मिल जाते हैं, बट गाइस देख लीजिए यहाँ पे जो मेरी सही थी सही निकली गाइस, जो मैंने यहाँ पे सोचा था सही निकला, वो यहाँ पे एकदम कमज़ोर डायनोस है। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पॉइंट होल्ड पे रखते हैं, कोशिश करेंगे कि गाइस हमारे एयर टाइप से पूरी बैटल जीत लें। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट बैटल में आपको कमज़ोर डायनोस लेके जाने हैं, ताकि आपके जो ओपी वाले डायनोस हैं ना वो, क्योंकि उनको रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा गाइस। गाइस यहाँ पर आ चुका है गीगा, और भाई गीगा ने एक अटैक किया है, कोई नहीं गाइस
तो चलिए गाइस हम गीगा को अब यहाँ पे डाउन करते हैं 2 पॉइंट में। यस गाइस 2 पॉइंट में गीगा डाउन हो जाएगा और भाई 1 पॉइंट यहाँ पे होल्ड पर। तो गाइस हमने यहाँ पे गीगा को डाउन किया है और भाई क्या ही ज़्यादा ओपी। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट बैटल में आपको अपने कॉमन डायनोस लेके जाना चाहिए, वो भी कम से कम लेवल वाले। तो गाइस अब फटाफट ये बैटल को फिनिश करते हैं और भाई चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट हमको पड़ी है, कोई नहीं गाइस। यहाँ पे जो थर्ड है भाई वो तो भाई कमज़ोर है भाई, हमारे सामने वाटर टाइप है तो भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। चलिए गाइस हमने यहाँ पर डाउन किया इसको और भाई फाइनली हम यहाँ पर भाई 12 का डैमेज दे रहा है यहाँ पर वाटर टाइप। फालतू है भाई, कुछ नहीं होगा, हमको बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाएगा भाई ये वाटर टाइप। तो गाइस चलिए हम ये बैटल को हमने फाइनली गाइस वाटर टाइप से ये बैटल को फिनिश कर दिया है। क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस, बाकी डाइनोस को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और भाई हमने फाइनली ये फाइनल अटैक है हमारा और भाई यहाँ पे डाउन किया 540 अटैक के साथ में। तो भाई साहब क्या ही ज़्यादा ओपी, फर्स्ट बैटल हमने जीत ली है गाइस। तो गाइस आपको फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिल गई है। अब गाइस वैसे ही अभी एपिसोड में बने रहिए, आपको और भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हम बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस हम यहाँ पे सर्वाइवल लीग में 70 पोजीशन पे आ गए, क्या ही ज़्यादा ओपी। तो भाई चलिए देख लेते कुछ ओपी हमको यहाँ पे मिल जाए तो क्या ही ज़्यादा लाइफ बन जाएगा इस लाइफ जिंगा लाला। तो भाई मैस्टर डून का कार्ड भाई निकल गया, कोई नहीं गाइस यहाँ पे भी कार्ड ही मिला है हमको, तो बहुत ही सही गाइस। तो चलिए अब हम सेकेंड बैटल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि गाइस हम यहाँ पर प्रेडिएटर लीग तक पहुँच सकें। तो चलिए सेकेंड बैटल में आप उससे थोड़ा सा ऊपर वाले आप डायनोस ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो लेवल 40 या तो लेवल 30 की भी आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेवल 40 के लेके जाऊँगा, तो गाइस हम एयर टाइप ही लेके जाएंगे। एयर टाइप चलिए वाटर टाइप लेके चलते हैं, वाटर टाइप। देन वाटर टाइप को लीड करेगा भाई हमारा ग्रीन टाइप और लास्ट में भाई रहेगा हमारा गुलेंगो जो कि कार्निवोरस टाइप है भाई साहब। तो गाइस चलिए हम सेकेंड बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारा अपोनेंट हमें कैसे मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ओपी गाइस, तो यहाँ पे गुलेंग थोड़ा सा नहीं, चलिए गाइस कोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट अपोनेंट भाई थोड़ा ओपी है, बाकी तो हम संभाल लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर ऐसे बैटल में हम क्या करें भाई, ऐसे बैटल में आपको डिफेंस करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पर अटैक क्यों खेलेंगे ना तो भाई जो अपना अपोनेंट है ना आपको भाई छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। गाइस आपकी सेकेंड टिप्स एंड ट्रिक्स है कि भाई आप सिचुएशन को देख के प्लानिंग करें। अब गाइस हम यहाँ पे 2 पॉइंट रखते हैं हमारे होल्ड पर। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे उसके पास में 2 पॉइंट का भाई काफ़ी ज़्यादा हो सकता था, फ़ायदा हो सकता था। तो गाइस यहाँ पे डेप्लोक्लस को यहाँ पे भाई फाइनली शायद हो सकता है यहाँ पे अपोनेंट का भी अटैक करेगा, तो डेप्लोक्लस यहाँ पे ओ भाई नहीं किया डेप्लोक्लस, कोई नहीं गाइस। तो गाइस यहाँ पे 3 पॉइंट और भाई 2 पॉइंट यहाँ पे डिफेंस पर होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पर इचियो उस जगह क्या 5 के 5 पॉइंट का अटैक देता है, देखते हैं गाइस। तो गाइस आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है भाई ये कैसा खेल रहा है। चलिए अब हम इसको फाइनली इसको हम करते हैं भाई, चार पॉइंट का अटैक दूंगा मैं, 5 पॉइंट का अटैक देता हूँ, चलो 5 पॉइंट का अटैक दिया मैंने, 3 पॉइंट और भाई क्या ये जाएगा, नहीं भाई थोड़ा सा बचा और यहाँ पे 7 पॉइंट भाई साहब क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस, क्या ही ज़्यादा ओपी, बहुत ज़्यादा ओपी गाइस। तो भाई साहब यहाँ पर देखते हैं गाइस अभी भी हम बैटल यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करेंगे ना जो आपको बताएंगे हम, तो भाई आप हर बैटल पूरी तरह से जीतोगे आप, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 पॉइंट आपको होल्ड पे रखना है, 2 पॉइंट डिफेंस पे, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेक करनी है। तो गाइस यहाँ पे इचियो स्टैगा ने भाई कुछ नहीं रखा था, चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पर इचियो स्टैगा 4 के 4 अटैक देगा, और नहीं देगा तो भाई हम इसको यहाँ पे डाउन करेंगे भाई, दे दिया 4 के 4 अटैक, बहुत ही ओपी। तो गाइस अब चलिए हम यहाँ पर गिलोंग भाई 40 का अटैक दे रहा है ना, और हमारे पास में खाते में है 8 पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा ओपी, 1 2 और ये 3 4 के 4 भाई, चलिए कोई नहीं, 3 पॉइंट हम डिफेंस पर रखते हैं। तो भाई चलिए हमने डाउन किया इसको और भाई क्या ही ज़्यादा ओपी, अब हम बैटल में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं गाइस, और भाई 120 का भाई अब हमारा अटैक हो चुका है जो कि भाई 2 पॉइंट में भाई ग्रीन टैप को ऐसे ही हटा देगा भाई। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे भाई, ऐसे सिचुएशन में आप
एनिमी को आप देखोगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिचुएशन देखना। तो गाइस यहाँ पे एनिमी के पास में 5 पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने गलत खेल लिया, लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा थिंक करिएगा और भाई ऐसे में आप बैटल जरूर जीतोगे गाइस, गारंटीड है भाई। तो भाई साहब भाई यहाँ पे एनिमी कुछ नहीं कर रहा है भाई, अपोनेंट कुछ खेल ही नहीं रहा है। तो गाइस हम भी यहाँ पे अपोनेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, क्या हो रहा है उसमें कि नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पे अपोनेंट क्या करता है। अब अपोनेंट के पास 7 पॉइंट है भाई, चलिए गाइस देखते हैं अपोनेंट क्या करता है। अब 7 के 7 अटैक देगा भाई अपोनेंट, चलिए देख लेते हैं भाई, जल्दी कर भाई जल्दी कर, 7 के 7 अटैक दिया भाई, चलिए कोई नहीं, हमको लगभग 80 या 90 का अटैक पड़ेगा। 70 भाई, बहुत ही कम, कोई नहीं, बहुत ही सही। और ये 2 पॉइंट देकर भाई हमको अटैक, भाई क्या ही बोलूँ। और भाई यहाँ पर 3 पॉइंट नहीं देना था, 1 पॉइंट में काम हो जाता फिर, चलिए कोई नहीं गाइस। यहाँ पर भाई हमारे जो अपोनेंट है उसे हमने डाउन किया, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। और गाइस टिरानो टाइटन वर्सेस यूलोंग, चलिए देखते हैं यहाँ पर टिरानो टाइटन क्या करता है। ऐसे सिचुएशन में गाइस आपको 2 पॉइंट अगर आप डिफेंस में रखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ओपी रहता, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने के चक्कर में यहाँ पे भूल गया था भाई, कोई नहीं गाइस। तो भाई साहब यहाँ पे 4 पॉइंट, चलिए देख लेते हैं हम क्या करूँ मैं अब गाइस, 4 पॉइंट पूरे के पूरे अपन करके देखें। चलिए अब रिस्क ले लेते हैं, 5 के 5 पॉइंट हम दे देते हैं। और गाइस फाइनली हमने बैटल जीत ली है, रिस्क उठाया हमने और भाई यहाँ पर हमने बैटल जीत ली। तो गाइस क्या ही ज़्यादा ओपी बैटल थी, हमारे जो अपोनेंट था ना हमसे पावरफुल था गाइस, जो फर्स्ट अपोनेंट था ना इच्योस्टेगा काफ़ी ज़्यादा ओपी था गाइस, लेकिन फिर भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी और भाई हम हंटर लीग में आ चुके हैं, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। कोशिश करेंगे प्रेडिएटर लीग में हम पहुँचने की। तो चलिए यहाँ पे भाई मास्टर डून का कार्ड पहले ही मिल जाए भाई, कभी इतने लक्की है, लेकिन गाइस लक थोड़ा साथ नहीं दे रहा है अभी, कोई नहीं। तो गाइस थर्ड आपको जब आप हंटर लीग में पहुंच जाए ना तो आप भाई कॉमन डायनोस को मत देखिए, आप यूज़ कर सकते हो लेकिन गाइस थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा आपका जीतना। तो गाइस यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपना रेयर डायनोस, रेयर या तो फिर सुपर रेयर या तो फिर, तो गाइस यहाँ पर मेरे पास में है, मेरे पास में गाइस यहाँ पर बहुत सारे डायनोस हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एरो टाइटन ले लूँगा, देन ये से ले लूँगा और लास्ट में गाइस हम ले लेंगे थेरिजिनोसॉरस। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आप, मतलब बेसिक डायनोस है गाइस, ज़्यादा ओपी भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन काफ़ी अच्छे डायनोस है जो कि आप फाइट कर सकते हो आपके क्या बोलेंगे, कौन सा लीग चल रहा है अभी। तो गाइस देख लीजिए आप यहाँ पे कैसे डायनोस आए भाई, ये भी काफ़ी ओपी ओपी डायनोस हैं गाइस। यहाँ पे ग्रीन टाइप नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा ओपी। चलिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पॉइंट हम होल्ड पे रख लेते हैं, क्योंकि गाइस कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमको, यहाँ पे डायनो चेंज करेगा या तो फिर अटैक भी करेगा ना तो लगभग 100 का यहाँ पे डैमेज पड़ेगा, यहाँ पे डैमेज चेंज, यहाँ पे अपोनेंट ने चेंज किया है डायनो, 1 पॉइंट यहाँ पे नहीं उसने किया, कोई नहीं गाइस। चलिए 2 पॉइंट हम डिफेंस पे रखते हैं, 1 पॉइंट होल्ड पे रखते हैं भाई साहब। तो चलिए गाइस देख लेते हैं यहाँ पे हमारा अपोनेंट क्या करेगा, अपोनेंट क्या करेगा देखते हैं गाइस, अपोनेंट ने कुछ नहीं किया, चलिए बहुत ही सही गाइस। और भाई यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, चलिए काम करता हूँ मैं, 4 के 4 पॉइंट यहाँ पे होल्ड पे रख लेता हूँ मैं। अपने अपोनेंट के साथ गाइस खेलिए, अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे ना भाई तो भाई आप कहीं का बैटल, कोई भी छोटे से छोटा बैटल भी रहोगे ना उसको आप जीत नहीं सकते। तो गाइस ये पूरा रिस्क का गेम है भाई, 4 के 4 अटैक दिया भाई, 1 पॉइंट होल्ड पर, या तो डिफेंस पे भी हो सकता है, चलिए कोई नहीं गाइस। गाइस अब हमारे खाते में आ चुके हैं 8 पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा ओपी है, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया गाइस क्योंकि हमारे अपोनेंट है ना भाई, उसके पास में क्या ही बोलूँ मैं भाई, 5 पॉइंट, चलिए देखते, बहुत ही सही गाइस। यहाँ पे हमने अपोनेंट को डाउन किया और भाई चलिए अब आ चुका है यहाँ पे, कौन सा डायनो है गाइस, ये यूट्रेनस है गाइस, काफ़ी अच्छा ओपी डायनो है। चलिए गाइस दोनों का हेल्थ और डैमेज लगभग एक जैसा ही है। तो गाइस यहाँ पर एक डैमेज पड़ा मुझे, कोई नहीं गाइस, लेकिन 2 का डैमेज देके भाई इसको डाउन करूँगा मैं, और 2
मैं होल्ड पे रखूँगा, क्योंकि अगला डायनो है वो अपना वाटर टाइप है, जो कि भाई हमारे यहाँ पे ऑस्टोफेगोसॉरस भाई थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर पड़ेगा उसके लिए। तो गाइस चलिए, यहाँ पे 2 का अटैक देगा वो, 4 का अटैक देगा ऐसे भी, उसको पता नहीं है कि हमारे पास में 2 पॉइंट हमने होल्ड पे रखा है या तो डिफेंस पे रखा है। 4 का अटैक दिया भाई साहब इसने, और भाई चलिए हम डाउन हो गए। बट गाइस हम यहाँ पर थायरिजोनोसॉरस से भाई डाउन करेंगे हमारे अपोनेंट को, क्योंकि 6 पॉइंट भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी है। और भाई यहाँ पे 700 का अटैक भाई, लगभग 700 का अटैक, और भाई थायरिजोनोसॉरस ने ये बैटल जिता लिया भाई, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस क्या ही ज़्यादा ओपी, बहुत ही ज़्यादा ओपी, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस हमने बैटल जीत ली, काफ़ी ज़्यादा ओपी। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। नहीं भाई, हंटर लीग, हम प्रेडेटर लीग में नहीं पहुँचे। कोई नहीं गाइस, कोई नहीं गाइस, लेकिन भाई थोड़ा यहाँ पे वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम गाइस प्रेडेटर, ओ भाई साहब क्या ही ज़्यादा ओपी, 50 यहाँ पर भाई हमको बक्स मिल गए, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस चलिए हम हंटर लीग में पहुँचे। गाइस कल के एपिसोड में हम आपको आगे के बारे में बताएंगे, आपको डोमिनेटर में कैसी फाइट करनी है, प्रेडेटर लीग में कैसी फाइट करनी है, कैसे डायनोस आपको लेके जाने हैं। गाइस बहुत कुछ अभी एपिसोड में रहेगा, तो गाइस कल का एपिसोड भी देखना मत भूलिए। और गाइस आज का एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा ओपी था। चलिए हम जाते जाते गाइस एक काम कर लेते हैं, हमारे जो हैचरी है ना, तो गाइस इसमें 2-2 यहाँ पे भी खाली है, और हमारे पास में डायनोस पड़े हैं यहाँ पर। गाइस यहाँ पर हमारे पास में, चलिए ग्रीन टाइप में भाई सुनेरोसॉरस है गाइस, सुनेरोसॉरस को हम हैच करने डाल देते हैं यहाँ पर, और भाई लास्ट में मैं डाल दूँगा यहाँ पर, लास्ट में हम डाल देते हैं गाइस, किसे डालूँ मैं, इनियोसॉरस को छोड़िए अभी, एक और डायनो है गाइस। चलिए तो गाइस मोनोस्टेगोस्टॉप्स, अगर आपने गाइस ये एपिसोड नहीं देखा है, सुपर भाई 200 सब्सक्राइबर्स पे हमने ये मोनोस्टेगोस्टॉप्स यहाँ पे अनलॉक किया है। गाइस उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा ओपी है। तो गाइस काफ़ी लोग उसमें पूछ रहे थे कि भाई आपने मोनोस्टेगोस्टॉप्स के बारे में आपने बात ही नहीं किया गाइस, मतलब आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा नहीं होगा, इसलिए आपको, क्योंकि गाइस हमने एकदम लास्ट में मोनोस्टेगोस्टॉप्स को यहाँ पर ओपन किया था, हमने लेवल 40 का यहाँ पे स्टेगोसेराटॉप्स बनाया था, फिर गाइस सबसे लास्ट में हमने मोनोस्टेगोस्टॉप्स को तो ओपन किया था भाई, अनलॉक किया था, तो क्या ही ज़्यादा ओपी था गाइस। तो गाइस आप उस एपिसोड को भी ज़रूर चेकआउट करिए। और गाइस चलिए हम इसे परचेस कर लेते हैं भाई, क्या ही ज़्यादा ओपी, और भाई इसे एक्टिव कर लेता हूँ, और भाई 3 दिन में एक और मोनोस्टेगोस्टॉप्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस चलिए आज हमने बहुत कुछ किया गाइस, फाइटिंग ली हमने, कुछ नए डायनोस को हमने भाई डिस्कवर किया, और भाई हमने हैचरी में भाई कुछ ओपी ओपी डायनोस को हैच करने डाला, क्या ही ज़्यादा ओपी गाइस। तो गाइस ये था आज का एपिसोड, तो गाइस चलिए आपसे विदा लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि, तो गाइस आपसे विदा लेता हूँ मैं, आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।